क्या लगता है आपको अब की बार वही मुद्दे होंगे किसानों के और वही तेवर होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होंगे भी तो शिवराज सिंह चौहान ऐसे कर्मठ कैबिनेट मंत्री हैं कि वो सब चीज को निपटा देंगे। महाराष्ट्र दिमाग में वही छवि है और मामा लोकप्रिय नहीं, उन्हें जनप्रिय क्योंकि लाडली बहनाओं के मामा है और प्यारी भांजियों के मामा है। आपके जैसा आवाज़ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री पद तक पहुँचाने की लालसा रखते हैं, तो वर्तमान में अभी भी कुछ दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों का एक आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है, आपको लग रहा है शिवराज सिंह चौहान इस नई मुसीबत से बहुत आसानी से निपट पाएंगे? नहीं, निपट लेंगे, उन्हें कला है, उन्हें निपटाने काम करने की क्षमता, उन्हें अपनाओं की पूरा एक इकट्ठा माहौल बना लेती है। मामा जो है ना उनके जो भी कार्यकाल रहा अभी तक 18 साल में मध्य साहब जी राज किया है, राज किया है और उसके बाद ही आज भी मध्य प्रदेश में पूरी कोशिश पूरी सीधे मामा जी के दहरे जी लेकर आए हैं। क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में भी कहानी फिर से दोहराई जाएगी बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में आई है, जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का गढ़ कहा जाता था कि छिंदवाड़ा जो कांग्रेस के खेमे में भारतीय जनता पार्टी में आई है और इस बार छिंदवाड़ा में उपचुनाव होना है विधानसभा का, वही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई। और अभी इस वक्त हम शिवराज सिंह चौहान के उस काफिले के बाद, तो काफिला यहाँ से गुजर गया है, उसके बाद हम हैं इस टाइम देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष के एक स्वागत मंच के पास। हम कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनसे बातचीत करेंगे, आइए। जगदीश जी, आप इस जगह पे जो मंच बनाई किसी वर्गीय समाज या किसी का मंच बनाइए, ताकि विधानसभा आज आपने शिवराज सिंह का जो जलवा भोपाल में देखा, क्या लगता है आपको जो छवि शिवराज सिंह चौहान की पूर्व का देखी, क्या आज भी जनमानस के दिमाग में जो छवि बची हुई है? जनमानस के दिमाग में वही छवि है और मामा लोकप्रिय नहीं, उन्हें जनप्रिय क्योंकि लाडली बहनाओं का मामा है और प्यारी भांजियों का मामा है। हम ये 3.5-4 घंटे से लगातार इस कार्रवा को कवर कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, हमने जगह जगह उस जन समर्थन को महसूस किया है और हमने महसूस करा कि जनता आज भी जुड़ा हो शिवराज सिंह चौहान से। आपको क्या लगता है कि ये आगे किस आगे तक कहां तक इस ऊंचाइयों को लेके जाए? आपकी आपकी जैसा आवाज़ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने की लालसा रखते हैं, क्या लगता है आपको कि किसान के नेता जो किसानों वाली छवि सुनाती है, तो जो मंत्रिमंडल में उनको जो स्थान दिया गया है, जो मंत्रालय दिया गया है, कितना फर्क आएगा किसानों की दशा में? किसानों के लिए तो बहुत फायदा है और स्कीम को लेके आएंगे किसानों की फायदा। तो वर्तमान में अभी भी कुछ दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों का एक आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है, आपको लग रहा है शिवराज सिंह चौहान इस नई मुसीबत से बहुत आसानी से निपट पाएंगे? नहीं, निपट लेंगे, उन्हें कला है, उन्हें निपटाने काम करने की क्षमता, उन्हें एक इकट्ठा माहौल बना लेती है। पूर्व में जब ये किसान आंदोलन जोर पकड़ा था तब कहीं ना कहीं सरकार को एक साल बाद उसके आगे झुकना पड़ा था, क्या लगता है आपको अब की बार वही मुद्दे होंगे किसानों के और वही तेवर होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, होंगे भी तो शिवराज सिंह चौहान ऐसे कर्मठ कैबिनेट मंत्री हैं कि वो सब चीज़ को निपटा देंगे, हल कर देंगे। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश के किसानों की दशा सुधारने के लिए जो आज तक वो कहते आए हैं किसान खेती को फायदे का बनाएंगे? एक छोटा सा हम लोगों ने सर्वे करा था उनके चुनाव के लिए, तो 2700 रुपये की गेहूँ की बात हुई थी कि शिवराज सिंह जी चुनाव से खुद वादा कर गए थे विधानसभा चुनाव, और शायद अब वो 2700 का वादा नहीं निभा पा रहे हैं। लगता है आपको इसमें प्रोग्रेस होगी इस वादे के बाद? केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बात उन्हें पद उन्हें दिया गया है किसान नेता के रूप में, किसानों की छवि सुधारने की आप क्या क्या चलती योजना लाई जाए? मामा जी पहुँचते जिसको आज तक कोई नेता तो नहीं, मामा जी जो है ना उनको जो भी कार्यकाल रहा अभी तक 18 साल में मध्य शासन जी राज किया है, राज किया है उसके बाद भी आज भी मध्य प्रदेश में पूरी कोशिश तो मामा जी के दहरे भी लेकर आए हैं। मामा जी क्या मध्य प्रदेश पर है भाई साहब की बात है, बीच में काट रहा हूँ, क्या पूर्व में जब हम लोग जन्म संग्रह कर रहे थे पब्लिक ओपिनियन, तो हमने एक प्रश्न लोगों के सामने रखा था कि 29 सीटें लाने का श्रेय
मोहन यादव जी को देंगे या शिवराज सिंह यादव? शिवराज सिंह चौहान जी को। लाडली बहना जिंदाबाद। लाडली बहना जिंदाबाद। लाडली बहना जो उन्होंने 1250 रुपये दिए वो उसका ही फल है जो 29 की 29 सीटें आई हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा का जो गढ़ कांग्रेस का जो गढ़ रहा है उसको भेदना मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए आपको लगता था इतने कम समय के लिए शायद संभव नहीं था, इतने कम कार्यकाल? छिंदवाड़ा का जो गढ़ कांग्रेस का था, मजबूत गढ़ कमलनाथ जी का, उसको भेदना शायद मोहन यादव जी के लिए इतनी जल्दी इतने कम समय में संभव नहीं था। वो हमारा जो भी हल हुआ उसका वो भी हमारे मामा श्री है अरे शिवम भाई आओ ना। अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कमलनाथ जी के फिर से विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में भी कहानी फिर से दोहराई जाएगी बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार 1929 की 1929 सीटें मध्य प्रदेश में आई है, जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का गढ़ कहा जाता था कि छिंदवाड़ा जो कांग्रेस के खेमे में रहती है, भारतीय जनता पार्टी में आई है, वो इस बार छिंदवाड़ा में उपचुनाव होना है विधानसभा का, वही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई। लेकिन चुनाव उपचुनाव के लिए पार्टी ने जिसको टिकट के लिए कैंडिडेट को चुना है वो पूर्व में भी कांग्रेस से ही रहे हैं और अब वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं, आपको लगता है जनता उस छवि को फिर से उनकी छवि को जनता उस छवि को बिल्कुल अपनाएगी? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर व्यक्ति जा रहा है, इस बार भी जाएगा। आप देख सकते हैं लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मिल रहा है, विधानसभा में कोई निश्चित नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हम जब पूर्व में जनमत अभियान चलाए थे चुनाव से पूर्व, हमने विधानसभा में विदिशा लोकसभा क्षेत्र को टारगेट करके बातचीत करी थी, हमने जनता से बातचीत करी थी शिवराज सिंह चौहान कितने मतों के अंतर से, काफ़ी लोगों का मत था कि 5 से 7 लाख मतों तक अंतर रहेगा, लेकिन ये एक रिकॉर्ड ब्रेक थी 8.5 लाख के लगभग, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने निश्चित तौर से 18 साल मध्य प्रदेश के लिए कार्य किया है, निश्चित तौर उनकी विदिशा लोकसभा उनकी हमेशा दिनों में रहता था, उनके लगातार उनके मध्य प्रदेश के दौरे हुआ करते, लगातार विदिशा लोकसभा में दौरे हुआ करते थे, तो निश्चित तौर पर हमें तो मालूम था कि 8.5 लाख 9 लाख तक रिकॉर्ड ब्रेक करा उन्होंने मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में तय था कि मध्य प्रदेश में विदिशा लोकसभा रिकॉर्ड थे, मध्य प्रदेश में जीतेगी, ये रिकॉर्ड था, उसके बाद भारतीय जनता ने रिकॉर्ड बनाया है। अब क्या लगता है आपसे कुछ में कार्तिक लगता है बुधनी सीट पर अभी रिकॉर्ड दोहराया जाएगा? ये पार्टी तय करेगी, पार्टी जो ऊपर रहता है पार्टी तय करेगी। अभी उनके पुत्र को लेकर चबाची संभावनाएं जताई जा रही है कि कार्तिकों को टिकट मिलने की उम्मीद, ये तो पार्टी तय करती है, तो पार्टी तय करेगी, प्रदेश जी तय करेंगे, मंत्री जी तय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे। जो कैंडिडेट वहाँ पे बीजेपी का चुनाव लड़ेगा विधानसभा के जो अपना चुनाव होगा, कहीं ना कहीं आपको लगता है वो शिवराज सिंह की मेहनत से वोट ज़्यादा मतलब बिल्कुल निश्चित तौर बुधनी लोकसभा क्षेत्र शिवराज सिंह जी का एक कार्य क्षेत्र भी रहा है और विदिशा उनका एक बहुत पुराना कार्य क्षेत्र रहा है, किसको प्राथमिकता देंगे वो अपने मंत्रालय के साथ? बुधनी एक उनका कर्म क्षेत्र रहा है जहाँ से काफी समय तक विधायक रहे हैं। आप विदिशा लोकसभा बुधनी में भी आती है उनका निश्चित, आपको संसदीय क्षेत्र क्यों किया? आप तो संसदीय क्षेत्र में गए पहले, किस प्रकार से 18 साल उन्होंने बुधनी में भी ध्यान दिया है, विदिशा का प्रत्येक मतदाता उनके दिलों में बसता है। जैसा कि आप सुन रहे हैं अभी यहाँ पर हम कुछ कार्यकर्ताओं से जिन्होंने स्वागत किया शिवराज सिंह चौहान का, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के दिल में आज भी शिवराज सिंह बसे हुए हैं और शिवराज सिंह जी की जो पुरानी नीतियां हैं जो किसानों के समर्थन में उन्होंने कार्य किया है, हमारे जो पूर्व केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर जी उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया उसी प्रकार से उसी नीति को लेकर पार्टी को और कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी 2019-2024 में उनको कृषि का कार्य दिया गया था, उस प्रकार की मूल जो पदभार जो माननीय कोई विभाग माननीय शिवराज जी को दिया गया उसी प्रकार से निश्चित तौर से शिवराज जी को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में कहीं किसानों की बड़ी उम्मीद शिवराज सिंह चौहान बन के उभर रहे हैं क्योंकि जो मंत्रालय उन्हें दिया गया है वो कहीं ना कहीं उनकी पुरानी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखे दिया गया है, जो किसानों वाली छवि उनकी थी, अब मध्य प्रदेश में देखते हैं किसानों के आशाओं के अनुरूप
कौन कौन से कार्य, कितने कार्य शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रालय के द्वारा कराते हैं। हम इस वक्त भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास हैं और अभी यहां से शिवराज सिंह चौहान का कारवा गुजरा है। आप देख सकते हैं वाहनों की कतार, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उसी के कार्यक्रम के कारण लगी है। हम इस बातचीत को और भी लोगों के साथ आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन मोनू कुशवा के साथ में अभी तायारण का खबरदार न्यूज, धन्यवाद।